हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश देशमुख आज फिर से आपका स्वागत करता हूँ और आज हम जानकारी लेंगे अस्थमा के प्रिवेंशन के बारे में। अस्थमा जिनको भी मतलब खास करके बच्चों को, एडल्ट्स को जिनको है उनको, हम अस्थमा एक ऐसी बीमारी है कि पूरी तरीके से हम ट्रीट तो नहीं कर सकते लेकिन उसको कंट्रोल में रख सकते हैं अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें उसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे के हमारा डाइट अगर कंट्रोल करते हैं तो अस्थमा के अटैक्स हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें से 90% चीज़ें हमारे हाथ में हैं और जो कुछ 10% चीज़ें हैं जैसे एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस रहते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उसमें क्या करना है मैं आपको ये सब बताऊंगा वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करना है, जो बच्चों को अगर डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि अस्थमा है या बार बार कफ होता है, खांसी होती है, कफ की शिकायत है, तो आपको उनको फ्लू वैक्सीन जो आता है और निमोकोकल वैक्सीन आता है उनके डोजेस प्रॉपर टाइम पे लगाना ही है। क्योंकि जब भी उसको निमोनिया या फ्लू का, वायरल फ्लू का अगर अटैक होगा तो उसके साथ ही अस्थमा का एपिसोड, अस्थमा भी उसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होगी और ये कम से कम 5-7 दिन, 1 हफ्ता भी चल सकता है। तो बार बार फ्लू का उसको मतलब वायरल फ्लू का इन्फेक्शन ना हो, निमोनिया ना हो, इसके लिए आपको वो वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको बार बार अस्थमा का अटैक भी ना आए। दूसरी चीज़ है, बच्चों को आपको ठंडा और खट्टा ये चीज़ों से दूर रखना है, जैसे आइसक्रीम हो गया, फ्रिज का पानी, एकदम ठंडा एटमॉस्फेयर में जाने से थोड़ा अवॉइड करना है उनको। इन चीज़ों से अस्थमा बढ़ सकता है। फ्रूट्स में आप बच्चों को पपीता, चीकू और एप्पल दे सकते हो। बाकी फ्रूट्स खास करके अस्थमेटिक बच्चों में हम अवॉइड करते हैं, जैसे संतरा, मौसम्बी, जो खट्टे या ठंडे फ्रूट आते हैं ना उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे देखा गया है, किताबों में भले ही ये लिखा नहीं गया है लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब भी ठंडा या फिर कोई खट्टा अगर कोई फ्रूट खाता है बच्चा, कोई चीज़ खाता है, तो अस्थमा का अटैक जल्दी बढ़ जाता है। इवन केले से भी, जो बनाना रहता है उससे भी अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो सकता है। साथ ही अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, भाग दौड़ कर रहा है, स्पोर्ट्स या कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा, एग्जर्शन जिसमें हो रहा है, तो उस एपिसोड के बाद भी अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ऐसे समय आपको बच्चों को अगर एक्सरसाइज या कोई रनिंग में, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो उनको पहले थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ेगा। थोड़े थोड़े स्टेप में आपको एक्सरसाइज का उसका जो ड्यूरेशन है बढ़ाना पड़ेगा और इनके सिम्टोम वर्सन होते हैं, लाइक उसको अगर ब्रेथलेसनेस होता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना पड़ेगा। बहुत बार हम अगर एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट बच्चों में अगर होता है, ऐसा दिखता है हमको, तो हम उनको एक्सरसाइज शुरू करने के पहले ही एक सल्बुटामॉल का एक इनहेलर जो रहता है उसका पफ देते हैं या ओरली भी वो मेडिसिन आप दे सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग आपको अपने डॉक्टर से बात करना पड़ेगा क्योंकि हर केस डिफरेंट होता है, हर केस की सीवियरिटी अलग होती है। तो वो तो जो रेगुलर आपके डॉक्टर है वही आपको प्रॉपर बता पाएंगे कि इसको हमको प्री ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है एक्सरसाइज के पहले या नहीं है। तीसरा जो है वो हमको एलर्जन जो रहता है, जैसे डस्ट है, पोलन ग्रेन्स है, कहीं भी धूल है, मिट्टी है, या जैसे घर में हम कॉइल लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, उसका जो धुआँ रहता है, तो ये डस्ट और फ्यूम्स, ऑल टाइप ऑफ फ्यूम्स, स्मोकिंग वगैरह से बच्चों को दूर रखना है। पैसिव स्मोकिंग से भी जो फ्यूम्स आती है उससे भी अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है। तो ये चीज़ों का आपको बहुत केयर लेना है। बच्चे की जो रूम है उसमें आपको मिनिमम कर्टन्स, मिनिमम बुक्स और मिनिमम चीज़ें रखनी है जहाँ पे डस्ट बैठेगी, क्योंकि ज़्यादा अगर आप कर्टन या बुक्स रखोगे तो, या फिर जो बड़े बड़े जो बेडशीट्स रहते हैं, कर्टन्स रहते हैं, तो उस पर जो डस्ट अटैक होती है तो डस्ट के कारण भी बच्चों को तकलीफ हो सकती है। तो बच्चों के रूम में मिनिमम आप कर्टन्स वगैरह रखिए और जो बेडशीट है आपको हर 3-4 दिन में बच्चों के रूम में जो भी बेडशीट है, कपड़े है, वो सब गर्म पानी से अच्छे से धोना है। वेट मॉपिंग करना है पूरे टाइल्स का, गीले कपड़े से अच्छे से पोंछना है आपको डेली, ताकि डस्ट मिनिमम रहे और एलर्जन ना रहे। उसके रूम में कोई ऐसा प्लांट नहीं रखना है आपको जिसमें पोलन ग्रेन्स के कारण उसको अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है। साथ में पेट डॉग्स वगैरह जो रहते हैं, पेट एनिमल्स, उनसे दूर रखना है बच्चों को, क्योंकि उनके जो स्किन पे हेयर रहते हैं उसके कारण या डस्ट के कारण भी उनको और अटैक बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ये हमारे हाथ में है, ये हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे
कि जो हमारे चीज हाथ में नहीं है उन चीज़ों के बारे में, जैसे एटमॉस्फेरिक चेंजेस, अचानक से ठंडी का मौसम अगर चालू हो गया, या जब क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे खास करके जो बारिश का मौसम रहता है जब बादल ज़्यादा घने रहते हैं, तो ऐसे समय भी देखा गया है कि अस्थमेटिक बच्चों में तकलीफ बढ़ जाती है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है या खांसी चालू हो जाती है, खास करके रात में और अर्ली मॉर्निंग जब बच्चा दिन में उठता है सुबह सुबह उसको खांसी थोड़ी ज़्यादा आती है। तो ऐसे समय आपको क्या करना है, अगर उसको रिकरेंट अटैक आते हैं अस्थमा के या खांसी बार बार आती है खास करके ऐसे मौसम में, तो उसके लिए डॉक्टर हो सकता है अस्थेलिन का या आपको बुडेकॉट का स्प्रे दिया होगा, इस पर मेरा एक अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप वो देख सकते हो। तो ये जो मौसम रहता है बारिश का, तो ऐसे समय आपको एज अ प्रिकॉशन बुडेकॉट या कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो स्प्रे रहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के स्प्रे आते हैं इनहेलर, वो आपको यूज़ करना है रेगुलरली कुछ 2-3 महीने के लिए, अगर बच्चे को हर महीने में 15 दिन में अगर खांसी का अटैक आता है तो। लेकिन वो आपके डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हर केस डिफरेंट रहता है, डॉक्टर ज़रूरी अगर है तो ही आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये आपको हमेशा साथ में रखना है ऐसे मौसम में, ताकि बच्चे को फ्रिक्वेंट अटैक्स ना आए। तो ये हो गया अस्थमा की प्रिकॉशंस के बारे में, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।